नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंट्रोल। राष्ट्रीय दलित महासभा संगठन के द्वारा रीवा के कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव किया गया और अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांगे पूरी न होने पर 9 मार्च को एक वृहद आंदोलन कर भोपाल बंद का आह्वान करने की बात भी की गई है। रीवा के कलेक्ट्रेट परिसर में राष्ट्रीय दलित महासभा के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री कमलनाथ को उनके वादे को याद दिलाते हुए बेरोजगारी भत्ते, किसान ऋण माफी, बिजली बिल माफी जैसे मुद्दे को लेकर रीवा कलेक्टर को मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाम ज्ञापन सौंपा गया और जल्द से जल्द इन मांगों को पूरा करने की बात कही गई। राष्ट्रीय दलित महासभा के द्वारा अपनी मांगों को रखते हुए कहा गया है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ की सरकार के द्वारा बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक इस पर किसी प्रकार की पहल दिखाई नहीं दे रही है। साथ ही महिला विधवा पेंशन को लेकर बात करते हुए कहा कि महिलाओं को 2000 विधवा पेंशन जल्द से जल्द देने की मांग की गई है। वहीं बिजली बिल माफी की घोषणा को लेकर भी जल्द से जल्द पहल कराने की मांग की गई है। इन सारी मांग को लेकर संगठन ने कहा कि अगर सरकार अपने घोषणा पत्र में किए गए वादे जल्द से जल्द पूरा नहीं करती है तो राष्ट्रीय दलित महासभा और समस्त महिला संगठन सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर 9 मार्च को भोपाल बंद का आह्वान करेगा और सरकार से जल्द इन मांगों को पूरा कराने का काम करेगा। वहीं ज्ञापन लेकर रीवा तहसीलदार ने कहा कि इनकी मांगों को जल्द से जल्द रीवा कलेक्टर के द्वारा मुख्यमंत्री कमलनाथ तक पहुँचाने का काम किया जाएगा। ये हम तो राष्ट्रीय दलित महासभा और बैगा विकास संगठन, अब लगातार यहाँ पे हम लोग 10 साल से आ ही रहे हैं यहाँ पर, मगर समस्या को हल नहीं हुआ। दस यो कलेक्टर बदल गए, पूरा प्रशासन बदल गया, मगर जब बीजेपी की सरकार थी तब भी कुछ काम नहीं हुआ। और कमलनाथ की सरकार बोल के आई थी भाई कि मैं बेरोजगारों को 10,000 रुपये महीना दूंगा भत्ता, विधवा पेंशन 2,000 रुपये महीना दूंगा और लाइट का बिल्कुल सुन हो जाएगा, और जो भूमिहीन गरीब है उनको मैं जमीन का बंटवारा करूंगा और किसी की जमीन, हर एक के जो जमीन है उनका पट्टा दिया जाएगा। मगर ये खोखली घोषणा थी ना, तो अभी तक बेरोजगारों का पैसा मिला, विधवा पेंशन मिलती है कहीं 600 मिलती है, कहीं 300 मिलती है और कहीं तो मिलती भी नहीं, बहुत सारे लोगों को मिलती नहीं है। और लाइट का बिल 6,000 से 7,000 हमारा यही है कि एक आंदोलन चल रहा है और बड़े पैमाने पे चल रहा है। अभी 2 तारीख को शहडोल में संभाग में रैली होने वाली है और हमने तय कर लिया है। अभी आपको क्या आश्वासन मिला अधिकारी द्वारा कि भाई कलेक्टर साहब को पांच लोगों के साथ मिलने को बोला है कि जब कलेक्टर साहब आएंगे तो मिल पाएंगे वो। और अगर आपकी मांगे नहीं पूरी तो आगे क्या आप करेंगे? 9 जून को भोपाल बंद होगा, पूरा बंद होगा भोपाल। अब हम लोग रीवा के अंदर और भोपाल के अंदर अगर सुनवाई नहीं हुई, हो सकता है यहाँ पे जमीन हम लोगों को सबकी सरकारी, सारी जिसके पास भी सरकारी जमीन है हम लोग उस पर कब्जा करना चालू कर देंगे। शुभ नाम आपका? संजय भारती। ये राष्ट्रीय दलित महासभा के द्वारा एक रैली यहाँ पर धरना दिया गया है, इनकी कुछ मांगे जमीन के मुद्दे को लेकर के है, पूरे रीवा जिले भर से लेकर के उन्हें जमीन के मुद्दे को लेकर के कलेक्टर सर से मिलना चाहते थे। कलेक्टर सर स्वास्थ्य कारणों से कुछ बाहर हैं, गया है कि उनका डेलीगेशन आकर के मंडल प्रतिनिधि मंडल आकर के जैसे सर आ जाएंगे तो वो सूचित करके मिलवा दिया जाएगा और उनकी जो भी स्थानीय समस्याएं हैं और अन्य समस्याएं हैं, सामाजिक योजनाओं को लेकर के कुछ समस्याएं हैं, उनके साथ मिलकर के उस पर चर्चा कर ली जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, इसलिए बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार। गुड मॉर्निंग टीवी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में दैनिक समाचार पत्र गुड मॉर्निंग का ऑफिशियल चैनल है। खबरों में बने रहने के लिए यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए गुड मॉर्निंग टीवी को और ताजा खबरों और स्पेशल रिपोर्ट सबसे पहले जानने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए।